वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज खुशी, आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको शेयर करूंगी बायोटेक की वन ब्रांड की प्रोडक्ट से मैं अपनी क्लीनअप कैसे करती हूँ। अभी चल रही है फेस्टिव सीजन, आपको पता है कि आगे आ रही है करवा चौथ एंड दिवाली, तो उसके लिए हमारे स्किन को अच्छे से फेशियल करनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से क्लीनअप करनी चाहिए, जो कि हमारे फेस ज़्यादा ग्लो लगे एंड फ्लॉलेस दिखे, जो कि अगर हम मेकअप करें तो और भी अच्छी दिखे हमारी फेस। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर करूंगी कि मैं अपने घर में कैसे क्लीन अप करती हूँ वन ब्रांड के प्रोडक्ट से। एंड आपको अभी बहुत ही अच्छी डिस्काउंट में, अच्छी प्राइस में मिलेगी प्रोडक्ट, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रही है। तो नाइका में, popul.com में, अमेजोन में काफ़ी ऑफर चल रही है बायोटेक की एंड बहुत सारे प्रोडक्ट की। बायोटेक एक हर्बल एंड आयुर्वेदिक ब्रांड है, जो कि आप सबको पता है मैं बायोटेक की प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ करती हूँ एंड उसकी रिव्यू भी की हूँ। एंड मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूँगी, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वो लिंक में जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं अपने फेस में अप्लाई करूंगी बायोटेक के एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, जो कि हमारे फेस में जो भी डर्ट होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उसको ये निकालने में हेल्प करती है। आप इसको वन ड्रॉप हाथ में लीजिए, जेंटली आप फेस में मसाज कीजिए, उसके बाद उसको वाटर में क्लीन कर लीजिए, ये जितने भी डर्ट होंगे उसको ये निकाल लेगी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बायोटेक की बायो पापाया स्क्रब, जो कि हमारे फेस से अच्छे से टैन रिमूव करने में हेल्प करती है। एंड हमेशा स्क्रब अप्लाई करने से पहले आपकी फेस को अच्छे से वाटर में क्लीन कर ले, क्योंकि अगर हम ड्राई में स्क्रब यूज़ करेंगे तो हमारी रिंकल्स आ जाएगी। मैं जेंटली अपने हाथ में लेके अच्छे से रब करूँगी। यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा सा स्पीड कर ली हूँ, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए जेंटली मसाज कीजिए, उसके बाद वाटर में क्लीन। मैं स्क्रब अप्लाई कर चुकी हूँ, फेस को क्लीन भी कर चुकी हूँ। अभी एक टॉवल के हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं फेस पैक यूज़ करूँगी। अभी मैं यूज़ करूँगी बायोटेक की बायो फ्रूट फेस पैक, जो कि हमारे फेस में जो टैन है, डार्क स्पॉट है, पिंपल्स है, उसको ये रिमूव करने में हेल्प करती है एंड फेस को अच्छे से हाइड्रेट करती है। आप देख सकते हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। आप एक फेस पैक जैसे अप्लाई करते हैं नॉर्मली, आपके फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसीलिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 10 मिनट तक अच्छे से रखिए, उसके बाद क्लीन कर लीजिए। हे गाइस, आप देख सकते हैं अभी ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको अच्छे से वाटर में क्लीन कर लूँगी। मैं फेस पैक को क्लीन कर चुकी हूँ, अभी एक टॉवल की हेल्प से अच्छे से मेरे फेस को साफ कर लूँगी। अभी मैं यूज़ करूँगी टोनर। टोनर हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करती है एंड आप देख सकते हैं मेरी ये क्लीनअप करने के बाद फेस काफ़ी क्लियर हो गई है। अच्छे से एक कॉटन लेके अप्लाई कर लीजिए। अभी मैं यूज़ करूँगी बायोटेक के मॉर्निंग नेक्टर फेस मॉइस्चराइजर, ये हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजर करती है एंड फ्लॉलेस बनाती है। गाइस, यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।